नमस्कार, मैं शैलेंद्र वाजपेयी चेस बेस इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी शतरंज प्रेमियों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको विदित है कि भारत के निहाल सरीन ने अभी 15 वर्ष से कम की अवस्था में ही कुछ 2-4 दिन पहले 2600 रेटिंग का जो एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है उसको पार कर लिया है। 2600 शतरंज में एक महान जो एक नंबर नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक बाउंड्री भी है जिसे पार करते ही खिलाड़ी की गणना ग्रैंड मास्टर से सुपर ग्रैंड मास्टर की तरफ होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हम और आप सभी और चेस बेस इंडिया परिवार निहाल सरीन का इस सफलता के लिए अभिनंदन करता है और स्वागत करता है। और हम साथ में ये आशा भी करते हैं कि जल्द ही वो 2700 का अंक भी, जो एक जादुई नंबर है शतरंज, उसको भी टच करें। जब मैं इस YouTube चैनल के लिए इस वीडियो को बनाने का सोच रहा था, मुझे लगा कि शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना भी चाहिए, निहाल सरीन के बारे में। तो मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि प्रियदर्शन बंजन ने चेस बेस इंडिया के लिए लिखा था 1 दिसंबर 2015 को। मैं इसका लिंक भी आपको इस चैनल के उसमें शेयर कर दूंगा नीचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप उसको भी एक बार पढ़िए तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में और समझने का मौका। इसी क्रम में मैंने वर्ल्ड चेस फेडरेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है फीडे, उसमें भी निहाल का डाटा खोजने की कोशिश की और उसमें ज्ञात हुआ कि जो निहाल की पहली रेटिंग आई थी 2011 में 1268 थी। यानी कि 2011 1268 से 2019 के स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे अभी अप्रैल खत्म हुआ है, उसमें 2600 6 7 ईयर्स में स्टार्टिंग से अनरेटेड, या फिर आप कह लो 1268 से लेकर 2600 रेटिंग तक का जो सफर है निहाल का, वो कैसे तय हुआ, उस सफर को तय करने में कैसे कैसे उन्होंने गेम खेले, गेम की क्वालिटी क्या थी, उसमें वीकनेस क्या थी, स्ट्रेंथ क्या थी, इसको हम वन बाय वन कोशिश करेंगे इस आगे सीरीज में जो इस यूट्यूब चैनल के जो वीडियो बनेंगे उसमें आपको बताएं। जो मैंने अभी डिसाइड किया मेरा माइंड है कि 2014 से लेके 2019 इस बीच हर साल के उसके दो दो गेम, एक व्हाइट और ब्लैक से आपको आगे आने वाले वीडियोज में दिखाऊंगा और उसमें एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे हम और आप दोनों उस गेम से देख के कुछ ना कुछ सीखें। ओके, तो इस क्रम में मैंने जो पहला गेम सिलेक्ट किया है वो निहाल सरीन का 6/8/2014 को खेला गया गेम है, स्वेन आशीर्वाद के साथ। इस गेम में निहाल व्हाइट पीस से खेल रहे हैं। आज जो स्विन आशीर्वाद उसने जो गेम खेला है वो है ग्रूनफील्ड डिफेंस का। ओके, तो हम गेम स्टार्टिंग पोजीशंस देखने करते हैं, कोशिश करते हैं। निहाल ने यहाँ मूव किया d4। ओके, अपोनेंट ने खेला नाइट f6, c4, g6, नाइट c3 एंड d5। और आप में से करीब करीब सबको ही पता होगा इसका, इस पर्टिकुलर ओपनिंग का नाम है ग्रूनफील्ड इंडियन डिफेंस, या फिर शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं ग्रूनफील्ड डिफेंस। अभी ग्रूनफील्ड इसका नाम क्यों पड़ा, इसमें भी एक आपको करीब करीब सबको पता होगा, एक प्लेयर थे, महान प्लेयर में से एक है अर्नस्ट ग्रूनफील्ड, उन्होंने इसको हाइएस्ट लेवल पे पॉपुलर किया इसलिए उनके नाम पे इस ओपनिंग का नाम बाद में पड़ा ग्रूनफील्ड डिफेंस। बट आपको हो सकता है थोड़ा सा आश्चर्य हो, इसका जो पहला गेम एक्चुअल में जो खेला गया था इस पोजीशन पे, जो हिस्ट्री में अभी मिल रहा है फिलहाल, वो है 1855, मई 1855 में कोलकाता में खेला गया था, जिसमें महेश चंद बनर्जी जो व्हाइट पीस से खेल रहे थे उनका मैच था, और जो ब्लैक से जो प्लेयर थे वो जॉन कॉर्न थे। एक बार मैं उस गेम को भी आपको दिखाना चाहूंगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि ग्रूनफील्ड इंडिया पहला गेम जो अभी अवेलेबल है वो किस तरह से खेला गया था। तो इस गेम में जॉन कॉर्न ने मूव किया जब d5, उसका जवाब मोहनचंद बनर्जी ने दिया e3 से। गेम आगे बढ़ा, bg7, नाइट f3, कैसलिंग, पॉन इंटू पॉन, नाइट इंटू बिशप e2, नाइट इन टू बिशप
पॉन इनटू एंड सी फाइव। अगेन ब्लैक वही कोशिश कर रहा है कि सेंटर को चैलेंज करने की। ओके तो कैसलिंग सी डी फोर, सी डी फोर। अच्छा हम इस गेम में बहुत फोकस नहीं करेंगे, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी वगैरह तो नहीं मिलेगी सीखने के, लेकिन फिर भी एक बार आपको गेम दिखाना चाह रहा हूँ। नाइट सी सिक्स, बिशप बी टू। सिंपल है थ्योरी कि आपको बिशप को लॉन्ग डायग्राम डेवलप करना है, तो बिशप को लॉन्ग डायग्राम प्ले है बिशप जी फोर। ठीक है यहाँ पे पिन उतना इफेक्टिव नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रुक सी वन, रुक सी एट, बिशप ए थ्री। ये बिशप ए थ्री का आइडियाज आपके आजकल के मॉडर्न गेम में भी आपको काम आ जाएगा, कि कैसे हम पॉन को रोकते हो पुश होने से, या कैसे बिशप को उस डायगोनल ले जाते हैं जहां ज्यादा इफेक्टिव हो। क्वीन ए फाइव, यस अटैक, देन क्वीन बी थ्री, सिंपल डिफेंस हो गया। आर एफ ई एट, यहाँ पे रुक की ड्यूटी थी कि एफ सेवन को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसने अपनी ड्यूटी हटा ली, तो एफ सेवन वीक हो गया। अब यहाँ व्हाइट कोशिश कर सकता है कि एफ सेवन पे टारगेट लाए, एफ सेवन पे अटैक लाए। एफ सेवन पे अटैक कहाँ से आएगा, उसके लिए नाइट को आना पड़ेगा जी फाइव, लेकिन नाइट जी फाइव अगर आएगा तो क्वीन सिंपल सिंपल टेक कर देगा। तो इसके लिए व्हाइट ने खेला यहाँ पे रुक सी फाइव, मूव आई क्वीन बी सिक्स। यस क्वीन बी सिक्स में क्वीन तो एक्सचेंज करने का लॉजिक नहीं, कि क्वीन एक ज्यादा एक्टिव है व्हाइट का, इसने एक्सचेंज ना करने के लिए रुक को चल दिया बी फाइव, क्वीन फोर्स एंड नाउ नाइट जी फाइव। अब नाइट जी फाइव पे आज के डेट में तो सबको पता है स्मूथ हेड मेट क्या होती है, लेकिन हो सकता है उन्होंने जो अर्न सॉरी ये इनका नाम है जॉन कॉर्न, उन्हें हो सकता है इसको कैलकुलेट ना किया हो और सिंपल टेक कर दिया। देन 19-2 हुआ, अब क्वीन जाने का थ्रेट है। ब्लैक ने यहाँ पे सिंपल क्वीन को हटा लिया, आई मीन कि क्वीन को ना हटा के काउंटर अटैक किया। और देन यहाँ पे आप आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पता है स्मूथ हर्ड मेट क्या होती है, नाइट एस सिक्स एंड, और इस तरह से स्मूथ हर्ड होके गेम स्मूथ हर्ड मेट होकर गेम एंड हो गया। तो ये तो पहला गेम जो भी हमारे पास अवेलेबल है हिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू डाटाबेस या फिर विकिपीडिया की तरह से हमने आपको दिखाया। अब हम मेन गेम पे आते हैं निहाल सरीन के, जो स्वयं आशीर्वाद के साथ जो चल रहा है। यहाँ पे मूव आई डी फाइव। अच्छा डी फाइव के एक्चुअली क्या है कि ये ग्रूनफील्डियन डिफेंस है, और आपको बहुत लोगों को देख के लगता होगा कि जब पॉन इंटू पॉन हो जाएगा, पॉन इंटू पॉन नाइट इंटू एंड ई फोर नाइट इंटू एंड पॉन इंटू। अब मैंने अभी आपके लिए कि ग्रीन एरो भी लगा दिया, आप देख सकते हो सी फाइव डी फाइव ई फाइव और एफ फाइव, जो सेंट्रल के जो मेन इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं ये व्हाइट ने कंट्रोल कर लिया है। फिर भी ब्लैक सी इतनी पॉपुलर क्यों है ओपनिंग, आई मीन ये डिफेंस क्यों इतना पॉपुलर है, जबकि आपको दिख रहा है कि सेंटर तो व्हाइट के कंट्रोल में, फिर ब्लैक क्या करेगा। एक्चुअली आप देखोगे लाइफ में दो चीजें हैं, एक तो लाइबिलिटी और एक एसेट। कई बार हमको ये नहीं फर्क चल पाता कि क्या लाइबिलिटी है और क्या एसेट है। सेम चीज चेस में भी है। चेस में एक्चुअली मेरा तो हमेशा मैं कहता आया हूं कि जो हमारा जो फाइट होती है चेस में और लाइफ में, वो हमेशा आइडियाज के बीच होती है, और आइडियाज ही हैं जो आपको आगे ले जाते हैं। एक बैड आइडिया आपको हो सकता है गलत पोजिशन कर, लेकिन बैड आइडिया को हम उसको अगर सही सिंप्लीफाई कर दें, उसको जो वीकनेस है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको अगर सही करके उसको मॉडिफाई करें, तो हो सकता है आपके लिए वो फायदा भी कर जाए। तो यहाँ पे ब्लैक को लगता है कि ये जो सेंटर है, जिसने सेंटर कंट्रोल किया है, ये व्हाइट का एसेट नहीं है बल्कि लाइबिलिटी है। यानी कि व्हाइट को इसको डिफेंड करना पड़ेगा सेंटर पे, और ब्लैक इसको अटैक करेगा। तो ब्लैक का ग्रूनफील्डियन इस बात पे डिपेंड करता है खेलना, कि ब्लैक को ये लगता है कि नहीं ये व्हाइट की लाइबिलिटी है। व्हाइट क्या सोचता है, व्हाइट सोचेगा कि नहीं ये लाइबिलिटी नहीं है, हम इसको स्ट्रेंथ है हमारी, ये हमारा एसेट है, हम इसको सेंटर पे कंट्रोल करके पीस को डेवलप करेंगे और देन अपोनेंट के ऊपर प्रेशर बना के उस गेम को विन करेंगे। तो देन सिंपल सी ये जो दोनों चीजें हैं लाइबिलिटी और एसेट के बीच संघर्ष है, एक तरह से इसको आप इस नजरिए से एक तरह से देख सकते हैं। ओके
तो हम इस गेम को इस नजरिए देखेंगे कि निहाल सरीन ने प्रूव किया कि ये सेट है, या फिर स्वयं आशीर्वाद ने इसको ये प्रूव किया कि नहीं आपकी लाइबिलिटी है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। गेम में आए बिशप जी सेवन। बिशप जी सेवन आप सिंपल देख रहे हो, प्रूव करना चाह रहा है कि नहीं आपकी लाइबिलिटी है। अटैक किस चीज पे? सेंटर पॉइंट पे। डी फोर पे अटैक बिशप ने किया और नेक्स्ट अटैक आएगा सी फाइव करके। बिशप सिंपल डेवलपिंग मूव है ये, सी फाइव। ओके, तो यहाँ पे सेंटर पे अटैक स्टार्ट हो गया, नाइट ई टू सेंटर पे अटैक। देन सेंटर पे डिफेंस भी उतनी नीड है। कैसलिंग सिंपल, ये भी डेवलपिंग मूव है। कैसलिंग इन सिंपल डेवलपिंग मूव। नाइट सी सिक्स सेंटर पे एक और प्रेशर, एक और अटैक, और सेंटर को एक और प्रोटेक्ट किया निहाल ने। क्वीन सी सेवन। अच्छा, क्वीन सी सेवन का आइडिया क्या है कि रुक के लिए जगह बनाना। मैंने एरो से आपको दिखाया भी है, रुक को हमेशा ओपन फाइल या सेमी ओपन फाइल में रखने की कोशिश की जाती है। तो इसे क्वीन को सी सेवन हटा के रुक के लिए पास क्लियर किया ना, या रुक के लिए पाथ क्लियर किया। क्वीन सी वन सेम अगेन, निहाल ने भी क्लियर किया है रुक के लिए पाथ, ताकि रुक को डी वन लाया जा सके। रुक डी एट, रुक डी वन, नाइट ए फाइव, बिशप पे अटैक है। बिशप अच्छा बैठा हुआ था, एफ सेवन पे अटैक भी कर रहा था, इसलिए उसने सोचा चलो हटा लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल बिशप को डी थ्री बैक आ जाना है, और तो कहीं ये लॉजिकल स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि नाइट बिशप बी थ्री पे आने का कोई लॉजिक नहीं है। नाइट इन टू हो जाएगा बिशप, अच्छा जो वर्क कर रहा है वो, इसको एक्सचेंज करना कोई इसे बुद्धिमानी का डिसीजन नहीं है। बिशप डी थ्री आ गया, बी डी सेवन, डी फाइव, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मूव है। यहाँ डी फाइव में अगर ब्लैक यहाँ पे सी फोर करता है तो बिशप सी टू आ जाएगा, एंड देन डी फोर स्क्वायर जो पूरी तरह व्हाइट के कंट्रोल में जाए, उसमें नाइट करके इस नाइट ला सकते हैं, बिशप लाके एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों तरह से खेला जा सकता है। बिशप ए फोर, हाँ यहाँ थोड़ा सा टाइम निहाल ने शायद लिया होगा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं और दोनों को कंपेयर करना आसान नहीं है कि रुक डी टू या रुक ई वन। थोड़ा सा आप लोग चाहो तो आप भी डिफरेंस जानने की कोशिश कर सकते हैं। एक्चुअली चेस में ये इस तरह के जो डिफरेंस है, ये एक चैलेंज होता है हर चेस प्लेयर के लिए, खासकर जो अभी सीख रहे हैं या आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि रुक को डी टू क्यों लाए, ई वन क्यों ना ले जाए, या फिर रुक को ई वन क्यों लाए, डी टू क्यों ना ले जाए। इसका कोई सॉलिड जवाब मिलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी आप यहाँ समझने की कोशिश करो कि पॉन अभी डी फाइव पे पहुंच चुका है, आगे आप सी फोर भी कर सकते हो। सी फोर हटाने के लिए आपको पहले रुक बी वन हटाना पड़ेगा, देन जब सी फोर आएगा देन आपका सेंटर में जो डी फाइव ज्यादा प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर बिशप जो डी थ्री पे है वो अगर है भी या नहीं भी, आप हटाना भी चाहो बाद में बिशप को लाके, तो रुक यहाँ पे डी फाइव पे ज्यादा वर्क करेगा। अच्छा, वैसे भी आप दूसरी तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि रुक जब ईवन पे है तो उसके जो फाइल है ईवन, उसके बीच में नाइट है, फिर बिशप है और फिर पॉन है, तीन तीन लोग हैं जो उसका पाथ तब क्लियर होगा, तीन लोग हटेंगे, यानी कि लाइम लाइट पे या फिर आपका उसको प्रकाश तब मिलेगा रुक को जब तीन लोग हटेंगे। और सिंपल अगर इसको देखा जाए डी फाइल पे, तो बिशप जो डी थ्री पे है, जो पॉन, इनको हटते ही रुक को प्ले मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे पॉन पे सपोर्ट भी करेगा। तो रुक डी टू थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल है, वैसे रुक ईवन में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेबल है, खेला जा सकता है। एक और भी आप सोच सकते हो, रुक एफ वन भी, रुक एफ वन का भी आइडिया भी सॉलिड हो सकता है। रुक एफ वन का आइडिया होगा एफ फोर, एंड देन आप रुक हटा के सी फोर, ई फाइव भी प्लान कर सकते हैं, और या फिर रुक एफ वन के बाद पॉन को आगे ले जाएं, फिर पॉन को ऐसे प्लान किया जा सकता है अटैक के लिए। ठीक, ओके, मेन गेम पे हम वापस आते हैं। तो व्हाइट ने खेला है रुक डी टू, बी सिक्स, क्वीन ए थ्री, बैक चला गया, रुक ए डी वन, डबल हो गए मेजर पीस दोनों रुक, नाइट बी सेवन, बिशप एफ फोर। अभी आप देखो इतने सब के बाद भी अभी व्हाइट का सेंटर में कंट्रोल उतना ही परफेक्ट है, उतना ही स्ट्रांग है, ब्लैक इसको चैलेंज नहीं कर पा रहा है।
और आगे ये गेम जो ब्लैक हारा है, शायद इसका रीजन यही हुई होगा कि ब्लैक ने इसको सेंटर को सही से चैलेंज नहीं किया पर कर पाया, इससे केस में सक्सेस नहीं हुआ। बिशप e5, बिशप इनटू क्वीन इनटू एंड f4, क्वीन किया बैक एंड पॉन पुश। अब मैंने फिर से आपको एक बार इसमें एरो लगा दिया, या फिर आप यहाँ देखो, एरो नहीं, मैंने इसको ग्रीन करके स्क्वायर्स को दिखाया है, आप यहाँ एक बार देख सकते हैं। b5 किसके कंट्रोल पे, व्हाइट के। c4 किसके कंट्रोल पे, व्हाइट के। d5 किसके कंट्रोल में, व्हाइट के। c6, e6, e4, f4, e5, f5, g5, ये सब स्क्वायर जो सेंटर के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं व्हाइट के कंट्रोल में है, और व्हाइट के पास बहुत सही स्पेस है, यानी कि व्हाइट की पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पे बेटर है। यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत ऑप्शंस भी हैं ब्लैक के पास, जैसे कि यहाँ पे ब्लैक e5 ब्रेक एक दे से दे सकता है। e5 ब्रेक के बाद अगर टेक करता है तो क्वीन यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर को चैलेंज कर सकता है, या अगर पॉन पुश होता है आगे देन नाइट को d6 भी पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो मूव चली ब्लैक ने वो किया बिशप g4, नाइट पर अटैक किया। शायद इस मूव की जरूरत नहीं है, और ये इस मूव चलने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम और बढ़ गई ब्लैक की, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट को मौका मिल गया e5 करने का, और आप क्लियर देख रहे हो e5 के बाद c6, d6, e6 और f6, ये सब स्क्वायर व्हाइट के कंट्रोल में है, जो कि ब्लैक के बहुत ही डेंजरस है, इसलिए मैंने इसको दिखाया है रेड से। g5, ओके। अब यहाँ पे g5 के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जब हाँ हमारे पास अटैक होता है तो हमको रोकने के लिए कभी कभी ब्रेक भी देना पड़ता है। अब यहाँ व्हाइट के ऊपर अटैक, व्हाइट का अटैक आ रहा है ब्लैक के ऊपर, ब्लैक ने क्या किया, ब्रेक दिया, ठीक g5 ब्रेक था लेकिन गलत टाइम पे दिया, अभी g5 की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो g5 से आपके अटैक, आपके ऊपर अटैक लाना और आसान हो गया। हाँ g5 अच्छी मूव तब हो सकती थी जब ये पॉन इंटू पॉन करता व्हाइट, देन क्वीन इंटू क्वीन के बाद आपने सेंटर ब्रेक कर दिया। तो कई बार हम लोग क्या सोचते हैं और गलती कब चल देते हैं कि अपोनेंट ये करेगा हम ये मान लेते हैं, लेकिन सिंपल रॉन्ग मूव है, क्योंकि किसी प्लेयर को दिख जाएगा कि पॉन इंटू पॉन लॉजिकल नहीं है, कि हमारा e5 पॉन पिट जाएगा, सेंटर से कंट्रोल हटने लगेगा, क्वीन को वापस प्ले मिल जाएगा। इसलिए निहाल ने सिंपल यहाँ पे चला S3, पहले बिशप को बैक किया। बिशप को बैक करने के पीछे रीजन है कि अगर नाइट को टेक करता तो हम रुक से टेक कर लेंगे, और देखिए रुकने वही हुआ, रुकने उसको सपोर्ट दे दिया e5 पॉन को। जीन टू क्वीन c1, किंग h8, क्वीन क्रॉस f4। अब इस गेम में बहुत कुछ बचा नहीं करने के लिए, सेंटर पे कंट्रोल है, स्पेस एडवांटेज है, पीस एक्टिविटी है, किंग उसका डेंजर जोन पे है, अटैक बहुत ज्यादा है, और आगे चल के पॉन भी टेक हुआ, और धीरे धीरे करके इसने आराम से निहाले इस गेम को विन कर दिया। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये गेम पसंद आया होगा। आप जानकारी के लिए प्रियंजन का, जो मैंने आपको बताया था प्रियंजन मंजन का, 1 दिसंबर 2015 को एक आर्टिकल जरूर पढ़िएगा, एक चेस बेस इंडिया का, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। देन हमने 2014 का भी यह गेम देखा। आगे से हम ब्लैक और व्हाइट के दो, दो आगे आने वाले दो वीडियोज में 2015 के एक व्हाइट से और एक ब्लैक से निहाल का गेम देखेंगे, देन सो ऑन, एंड 15 के बाद 16, 17 और ऐसे 19 तक कवर करने की कोशिश करेंगे, और आशा करेंगे और कोशिश भी होगी हमारी कि आप इससे कुछ सीखो। ओके, आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।